हम ट्रेड चालू करते हैं डायरेक्ट। तो मेरा पहला ट्रेड सनफार्मा है, सनफार्मा डालते हैं, हमारी लिस्ट ऐड करते हैं मेरे गिने हुए शेयरों से। पहला ट्रेड सनफार्मा में लेंगे अगले हफ्ते में, दूसरे ट्रेड हम एलएनटी में लेंगे, लार्सन एंड ट्यूबो, लार्सन एंड ट्यूबो डाला। उसका अगला ट्रेड लार्सन एंड ट्यूबो के अलावा अगला ट्रेड लेंगे जी एंटरटेनमेंट में। जी एंटरटेनमेंट में लेंगे लार्सन एंड ट्यूबो, अभी आया नहीं, वापस डालते हैं। लार्सन एंड ट्यूबो डाला, लार्सन एंड ट्यूबो के बाद हमारा चौथा शेयर हिंडाल्को होगा, आदित्य ग्रुप का। हमने हिंडाल्को डाला। पांचवा शेयर हमारा बायकॉन, बायकॉन डालते हैं, बायकॉन लिमिटेड आ गया। हमारा छठा शेयर होगा पीवीआर, पीवीआर एक सिनेमा एंटरटेनमेंट स्टॉक है। सातवां हमारा, अब हम आप हमेशा पूछते हो स्विंग ट्रेड और शॉर्ट टर्म में भी चाहिए इंट्राडे के साथ, तो स्विंग ट्रेड हम रिलायंस में लेंगे, रिलायंस को हम इंट्राडे स्विंग ट्रेड के लिए भी लेंगे, इंट्राडे ट्रेड के लिए भी लेंगे, और शॉर्ट टर्म में हम हीरो मोटोकॉर्प लेंगे, हीरो मोटोकॉर्प लिया हमने। और एक इंडेक्स जो हमेशा से हम लेते हैं, हर एक हफ्ते में एक इंडेक्स लेते हैं, वो हम निफ्टी फिफ्टी ले रहे हैं। अब की बार निफ्टी फिफ्टी पे जाते हैं, निफ्टी फिफ्टी लेते हैं। अब हम सब में स्टॉक वाइज सबके पैटर्न देखते हैं, तो आप देख रहे होंगे हमने सनफार्मा पहले लिया। सनफार्मा का आपको पैटर्न दिख रहा होगा कि सनफार्मा एक ट्रायंगल बना रहा है यहाँ से, ये 7 दिसंबर 1145 की कैंडल्स है, यहाँ से ये ट्रायंगल पैटर्न में बना रहा है, और यहाँ से 4 दिसंबर के टाइम से ये यहाँ से सपोर्ट दे रहा है और ऊपर से वो रेजिस्टेंस दे रहा है, तो ट्रायंगल बना रहा है। और शॉर्ट पोजिशन सनफार्मा में अगले हफ्ते के लिए 560 पे, टारगेट 545 पे, और लॉन्ग के लिए 573 पे और टारगेट 590 पे। दूसरा हमारा जी एंटरटेनमेंट होगा, जी एंटरटेनमेंट का ट्रायंगल हम बनाते हैं आपके सामने। पहले आपको दिखाया कि ट्रायंगल कैसा होता है, अब हम आपके साथ ट्रायंगल बनाएंगे। यहाँ से हमने ट्रायंगल लिया इस कैंडल पे, इस कैंडल से हमें आपको दिख रहा है कि यहाँ सपोर्ट ले रहा है, हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया, यहाँ रेजिस्टेंस दे रहा है ये कैंडलों को। अब हम यहाँ पे सपोर्ट लेंगे, सपोर्ट कहाँ से दे रहा है, सपोर्ट 3 दिसंबर से दे रहा है, आप देख रहे होंगे सपोर्ट ले रहा है यहाँ से। पहली कैंडल सपोर्ट ली, दूसरी कैंडल सपोर्ट ली, तीसरी ब्रेकआउट करने की कोशिश की लेकिन क्लोज नहीं हो पाई, तो क्लोज नहीं हुई तो ट्रेड नहीं लेते। तो अब इसके लिए भी शॉर्ट और लॉन्ग पोजिशन बताता हूँ मैं, आप शॉर्ट कर सकते हैं 28 पे, आप शॉर्ट कर सकते हैं 28 पे, आप टारगेट बनाइए 23 का, 23 का टारगेट। लॉन्ग के लिए आप लॉन्ग ले सकते हैं, अगर ये ब्रेकआउट देता है तभी, ट्रायंगल अगर ये तोड़ता है और कैंडल क्लोज होती है तभी, तो 214.65 पे आप इसका लॉन्ग बनाइए और टारगेट रखिए 220 पे, इसका हाई पे, इसका 52 वीक हाई पे। तो हम तीसरे ट्रेड पे चलते हैं, एलएनटी, एलएनटी आप देख चुके हैं, एलएनटी लार्सन एंड ट्यूबो। इसने पहले पिछले हफ्ते में जब मैंने आपको बताया था कि ये फ्लैग पैटर्न बना रहा है, फ्लैग पैटर्न के अंदर इसने ब्रेकआउट दे चुका है, फ्लैग पैटर्न के अंदर आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से फ्लैग बनाया, फिर ये फ्लैग के ब्रेक कर चुका है यहाँ से और अपर ट्रेंड में जा चुका है, अपर ट्रेंड में जा चुका है, तो इसकी लॉन्ग पोजीशन तो नहीं होती लेकिन शॉर्ट पोजीशन जरूर होती है अगर ये ब्रेकआउट करता है। अगर ये ब्रेकआउट करता है तो ये यहाँ से टूट के और रीटेस्ट लेके फिर गिर सकता है, और अगर वैसे नहीं गिरता
तो ये नीचे डायरेक्ट ब्रेकआउट देके नीचे गिर जाएगा। तो अब ये दोनों में से चाहे कुछ ही हो, ट्रेड हमें लेना है। तो हम इनको पहले डिलीट करते हैं, फिर हम शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन आपको बताते हैं। तो यहाँ से शॉर्ट पोजीशन अगर ब्रेक होती है, तो मंडे को अगर ये नीचे खुलता और बंद भी नीचे होता है, तो हम लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट, लॉन्ग तो नहीं दे पाएंगे इस अपर ट्रेंड में, लेकिन शॉर्ट दे सकते हैं। शॉर्ट हम ले लेते हैं, ये शॉर्ट हम ले लेते हैं 1169.25। और हम टारगेट लेते हैं, जब ये शुरू हुआ था फ्लैग को ब्रेक करके 120.30 पे, ये एक अच्छा ट्रेड है। अब हम दूसरे ट्रेड पे चलते हैं, हिंडालको पे चलते हैं। वो आदित्य बिरला ग्रुप का एक छोटी सी सब्सिडियरी मतलब कंपनी है। इसमें भी ये ट्रायंगल बन रहा है, आपके सामने बनाएंगे कि पैटर्न कैसे बनता है। आप भी सीखिए, आप भी अपना खुद का एनालाइज करिए। ये ओनली एडवाइस नहीं है, ये व्यू है मेरा मार्केट के ऊपर, इसको कोई भी एनालाइज वो एडवाइस ना समझे। तो हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ट्रायंगल बनाते हैं। यहाँ पे ट्रायंगल सपोर्ट दे रहा है ये ऊपर वाली लाइन। अब रेजिस्टेंस लेते हैं, रेजिस्टेंस यहाँ से आप देख रहे होंगे रेजिस्टेंस आ रहा है। यहाँ से कोई कैंडल नीचे की साइड क्लोज नहीं होती हुई, ऊपर हुई है। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे पहली कैंडल रेजिस्टेंस खाई, दूसरी कैंडल रेजिस्टेंस खाई, फिर ये नीचे सपोर्ट लिया, फिर वापस थोड़ी सी ऊपर गई, फिर वापस सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया। अभी जब ट्रायंगल ब्रेक होगा तब एक बिग मूव आएगा। तो हम शॉर्ट पोजीशन के लिए पहले एरो खींचते हैं, पॉइंट खींचते हैं। तो यहाँ आप शॉर्ट कर सकते हैं 239.95 पे या 2340 पे। और टारगेट हम रखते हैं यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए स्टॉक 229 पे, 229 पे अपना टारगेट है। और लॉन्ग पोजीशन में हम लेंगे रेजिस्टेंस 248.10 का, और टारगेट रखेंगे इसका हाई पिछले वीक का 256 का। ये यहाँ तक टारगेट टच हो सकता है। बायकॉन पे चलते हैं हम अगले ट्रेड पे। बायकॉन भी एक पैटर्न बना रहा है, ट्रायंगल पैटर्न। तो हम ट्रायंगल पैटर्न में चलते हैं। ये आपको दिखा यहाँ पे रेजिस्टेंस देता हुआ कैंडलों को, चार रेजिस्टेंस दिए इसने, हम बाय लेते हैं। अब ये सपोर्ट देते हुए, अब हम इनमें ये ट्रायंगल बना चुका है। अब इनके लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन, इनमें ब्रेकआउट ज्यादातर शॉर्ट में बिलीव होगा, क्योंकि ये ऊपर जाते हुए अपर ट्रेंड में, और अपर ट्रेंड में ज्यादातर शॉर्ट ब्रेकआउट देता है ट्रायंगल के अंदर। तो हम देख लेते हैं लॉन्ग और शॉर्ट दोनों। तो हम पहले देखते हैं शॉर्ट आप कर सकते हैं 450.10 से, और टारगेट रख सकते हैं 440.50 पे, ये आपका टारगेट हो सकता है। और लॉन्ग पोजीशन में जब ये तीन बार 1457 पे रेजिस्टेंस खा चुकी है, और मैंने इनका पिछला हाई देखा था 468 पे था, जिन पे ये रेजिस्टेंस खाई थी। अगर मैं आपको दिखा नहीं सकता, बहुत पीछे रह गया, लेकिन आप ये टारगेट ले सकते हैं। टारगेट आपने ले लिया, अब हम अगले पीवीआर में चलते हैं। पीवीआर के लिए हम छोटी कैंडल खोलेंगे 15 मिनट की, और पीवीआर पे भी चार्ट ट्रायंगल का ही पैटर्न बन रहा है, आप ये एनालाइज खुद भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से देखते हैं पैटर्न, हमने यहाँ पे ट्रायंगल की रेजिस्टेंस लाइन खींची, अब हम सपोर्ट लाइन पे चलेंगे। यहाँ पर हम इसकी सपोर्ट लाइन खोल लेते हैं। ये रेजिस्टेंस के साथ सपोर्ट, और ये लग गया। अगर आपको और अच्छे से देखना है, तो हम इसकी 5 मिनट की कैंडल खोल के इसको कर सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं चार्ट ट्रायंगल पैटर्न का। यहाँ पर शुरू होता है ट्रायंगल की, यहाँ रेजिस्टेंस खाता है, वापस यहाँ सपोर्ट लेता है, यहाँ रेजिस्टेंस खाता है, यहाँ सपोर्ट लेता है, फिर वापस थोड़े से बुलिश मार्केट आता है, लेकिन वापस बियरिश आके यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है। अगर ये ब्रेकआउट देता है, लेकिन ब्रेकआउट ये 30 मिनट कैंडल में या 1 आवर कैंडल में दे, जब ही लेना, ऐसे 50 मिनट की कैंडल में आप नहीं ले सकते। तो आप इसके ब्रेकआउट मांगेंगे
किसको खा बाय और सेल करें। तो हम कैंडल खोल लेते हैं 15 मिनट की, 15 मिनट की हम कैंडल खोलेंगे, उसमें हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे। तो हम खोल लेते हैं, जहां पर ये सपोर्ट ले चुका है, और अगर ये ब्रेकआउट देता है तो आप यहाँ से ले सकते हैं ट्रेड, और शॉर्ट के लिए आपके टारगेट होगा जब एक रेड कैंडल जो अपर ट्रेंड में आई हुई, ये आप ले सकते हैं 410.70 पे, और लॉन्ग के लिए आप रेजिस्टेंस ये ले सकते हैं अगर ट्राइंगल ब्रेकआउट ऑफ 1489.65 पर, और टारगेट इसके पहले वाला हाई जो अभी पीछे रह गया है 520 पे, 520 पे आप ट्रेड ले सकते हैं। और हम अब स्विंग ट्रेड पे चलते हैं रिलायंस पे। रिलायंस एक बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड है, उसमें अगर आप 2 आवर की कैंडल खोले तो आप उसमें देख सकते हैं इंट्राडे के लिए चार्ट पैटर्न। और तो हम 2 आवर की कैंडल खोल चुके हैं, तो इसमें ट्रायंगल बन रहा है 9 नवंबर से, 9 नवंबर से ट्रायंगल बनने की ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस 3 बार लेता हुआ, और सपोर्ट के लिए हम यहाँ से शुरू करेंगे। सपोर्ट हम यहाँ से लेते हुए ये कैंडल यहाँ पर, ट्रायंगल जोड़ते हैं और हम यहाँ ट्रायंगल ले सकते हैं। ये ट्रायंगल बन चुका है, ये स्विंग ट्रेड भी हो सकता है, मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ कई इंडिकेटर स्विंग ट्रेड का। आप देखना बहुत यहाँ से स्विंग ट्रेड चालू हुआ था, और यहाँ पे सपोर्ट भी बहुत अच्छा खाता है। ये देखिए यहाँ से शुरू होता है, ये हम बाद में अगले हफ्ते यूज करेंगे, इस बार ये इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे। मैं आपको अगले बार डिटेल वीडियो में ये सब बताऊंगा कैसे यूज करते हैं कैसे नहीं करते हैं। तो अगले वीडियो में तो हम चलते हैं रिलायंस के लॉन्ग और शॉर्ट पे। तो रिलायंस को अगर आप शॉर्ट करना चाहे या ट्रेड लेना चाहे तो 1939.40 पे ले सकते हैं, और टारगेट हो सकता है इसका लो 1834 इसका टारगेट हो सकता है, और लॉन्ग के लिए आप इसका रेजिस्टेंस अगर ये ब्रेकआउट करता है तो ट्रायंगल को 2034 ले सकते हैं, और टारगेट आप रख सकते हैं 210 लग सकते हैं आप टारगेट इसके लिए रिलायंस के लिए। अब हम हीरो मोटोकॉर्प में चलते हैं। हीरो मोटोकॉर्प में एक शॉर्ट टर्म ट्रेड है